Very good morning, students, and welcome to the e-learning session of Science and Technology. In today's lecture, we will study about acid, base and salts. So, an acid is a chemical substance that has sour taste. Okay, ऐसे chemical substances जो कि खट्टे taste के होते हैं, उन्हें हम acid कह सकते हैं, जैसे कि lemon हो या फिर curd यानी कि दही हो, vinegar या फिर ऑरेंज हो, जो कि सोर टेस्ट के होते हैं, मतलब खट्टे टेस्ट के होते हैं, उन्हें हम ऐसा कह सकते हैं कि उनके अंदर एसिड प्रेजेंट है. नाउ एसिडिक सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंस दैट कंटेन एसिड इन देम. ओके, तो एसिडिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस हैं जिनके अंदर एसिड का प्रपोर्शन ज़्यादा होता है. अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं एसिड के. फॉर एग्जाम्पल, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टैमरिंड, आमला, अनराइप मैंगो या फिर ग्रेप्स. ये जो सारे सब्सटेंसेस हैं, ऑल दिस सब्सटेंसेस आर सोर इन टेस्ट एंड हेंस वी कैन से दैट दिस सब्सटेंसेस पॉजिस एसिडिक नेचर एंड दे आर एसिड्स. ओके, सो इन द गिवन टेबल वी कैन सी द एसिड एंड द सब्सटेंसेस इन विच दिज एसिड्स आर फाउंड. फॉर एग्जाम्पल, if it is acetic acid, तो acetic acid we can find in vinegar. Formic acid is found in the ant sting. Citric acid is found in fruits such as oranges, lemon, etc. Lactic acid can be found in curd. Oxalic acid is found in spinach. Ascorbic acid, which contains vitamin C, is found in amla and other citrus fruits. Tartaric acid is found in tamarind, grapes, unripe mangoes, etc. All the acids mentioned in the above table appear naturally. Okay, so next comes base. Base are alkaline substances. Okay, सारे जो base होते हैं वो bitter taste के होते हैं, कड़वे taste के होते हैं. Base are bitter in taste and soapy in touch. Soapy मतलब वो foamy touch के होते हैं. And bases are found in different substances such as bleach, ammonia, washing powder and soap. Okay, तो यहाँ पर कुछ इस स्लाइड में कुछ examples हैं base के. So the examples of base are detergent, baking soda, drain cleaner, antacid base, ammonia and lime water. Now the substances in which base is found. So sodium hydroxide soap में पाए जाते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लाइम वाटर में पाया जाता है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो विंडो क्लीनर्स में यूज़ होता है. और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में यूज़ होता है. नाउ कम्स द न्यूट्रल सब्सटेंसेस. तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ना सोर टेस्ट के होते हैं ना बिटर टेस्ट के होते हैं. ऐसे सब्सटेंस को हम न्यूट्रल सब्सटेंस कह सकते हैं. न्यूट्रल सब्सटेंस इज एनी सब्सटेंस विच इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर. Such substances are pure water, table salt, sugar solution, etc. Okay, so now the problem arises that we cannot taste every substance to see whether it is acidic or basic. For example, अगर हमें कोई chemical substance देखना है कि ये acidic है या basic है, तो हम उसे taste तो नहीं कर सकते ये देखने के लिए कि वो sour taste कर रहा है या वो bitter taste कर रहा है या वो neutral taste कर रहा है. तो ऐसे सब्सटेंसेस को टेस्ट करने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं. एन इंडिकेटर इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन डिटरमाइन इफ अनदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. द इंडिकेटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक और बेस इन अ सब्सटेंस बाय चेंजिंग देयर कलर. ओके, ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं ये अगर किसी सॉल्यूशन में इनको डिप किया जाए या फिर किसी सब्सटेंस में इनको डिप किया जाए, तो ये अपने कलर को चेंज करके ये इंडिकेट करते हैं कि वो जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है. नाउ हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर्स. सो द इंडिकेटर्स आर लिटमस पेपर, टर्मरिक, चाइना रोज एंड फिनाफ्थलीन इंडिकेटर. सो वन बाय वन हम इनका प्रॉपर्टी और यूज देख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ द मोस्ट कॉमन इज लिटमस पेपर. Litmus paper is a natural indicator which is extracted from lichens and it has purple color in distilled water. Now, when it is added to an acidic solution, it turns red, and when added to a basic solution, it turns blue. Generally, litmus papers are available at red and blue color.
जब हम किसी भी लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड कलर में चेंज होता है, और जब हम उनको किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो ब्लू कलर में चेंज होता है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। सो लिटमस पेपर के लिए ये टेबल बनाया हुआ है मैंने कि इसमें आप देख सकते हैं कि किस सब्सटेंस में लिटमस पेपर क्या चेंज दिखाएगा, और उस चेंज के बेसिस पे हम कैसे ये बता सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। सो फर्स्ट है टैप वाटर। टैप वाटर में अगर हम लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आएगा, ब्लू लिटमस पेपर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। हेंस वी कैन से डैट इट इज़ अ न्यूट्रल सब्सटेंस। टैप वाटर इज़ अ न्यूट्रल सब्सटेंस बिकॉज इट इज़ नॉट चेंजिंग द कलर ऑफ एनी ऑफ द लिटमस पेपर्स। देन कम्स डिटर्जेंट सॉल्यूशन। तो डिटर्जेंट सॉल्यूशन में अगर रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो वो ब्लू में चेंज होता है, लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता है। हेंस हमने देखा था कि अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज होता है तो हम उसे बेसिक कहते हैं, इसीलिए डिटर्जेंट सॉल्यूशन को हम बेसिक सब्सटेंस कह सकते हैं। वेरेस एरेटेड ड्रिंक में अगर हम रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर हम उसमें ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो वो रेड कलर में चेंज होता है। और हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज होता है तो हम उस सब्सटेंस को एसिडिक कहते हैं। हेंस यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एरेटेड ड्रिंक जो है वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है। तो इसी तरह से आप ये सारे एग्जांपल्स को चेक कर सकते हो कि कौन सा लिटमस पेपर कौन से कलर में चेंज होता है, और उसके ऊपर से आप डिसाइड कर सकते हो कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। ओके, सो नेक्स्ट इंडिकेटर इज चाइना रोज। चाइना रोज पीटल्स आर केप्ट इन वार्म वाटर एंड अ कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। दिस कलर्ड सॉल्यूशन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, तो चाइना रोज के जो पीटल्स होते हैं, चाइना रोज को हम कॉमनली शू फ्लावर बोलते हैं, तो वो जो शू फ्लावर के जो पीटल्स होते हैं उनको हम किसी वार्म वाटर में रख के एक कलर्ड सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। ये जो कलर्ड सॉल्यूशन है वो एज एन इंडिकेटर यूज होता है किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी या फिर उसका जो बेसिक नेचर है वो चेक करने के लिए। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि अगर मैं शैम्पू में अगर मैं ये चाइना रोज का सॉल्यूशन डालूंगी तो इनिशियल जो शैम्पू का कलर है वो मिल्की है, लेकिन जो फाइनल कलर होगा वो ग्रीन हो जाएगा। वेरैज अगर मैं लेमन जूस में अगर मैं ये सॉल्यूशन डिप करती हूँ तो जो पहले लेमन जूस का कलर था वो थोड़ा हल्का सा वाइट था, लेकिन जो उसका फाइनल कलर आएगा वो मैगेंटा हो जाएगा। तो अगर चाइना रोज़ किसी भी सॉल्यूशन में डिप करने से अगर उस सॉल्यूशन का कलर ग्रीन में चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस बेसिक है, लेकिन अगर उस सॉल्यूशन का कलर मैगेंटा, जिसे हम ऑरेंज का एक शेड कहते हैं, अगर उस कलर में चेंज होता है तो हम उसे एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं। ओके, सो इस टेबल से हम ये कह सकते हैं कि शैम्पू जो है वो एक बेसिक सब्सटेंस है, लेकिन लेमन जूस जो है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है। नाउ थर्ड एग्जांपल है सोडा वाटर। तो सोडा वाटर पहले से कलरलेस होता है, लेकिन अगर हम उसमें चाइना रोज का सॉल्यूशन डालते हैं तो वो सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर में चेंज होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सोडा वाटर जो है वो बेसिक सॉल्यूशन है। ओके, सो अब फाइनल जो लास्ट एक एग्जांपल है वो है कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस होता है इनिशियली, लेकिन अगर उसमें हम चाइना रोज का सॉल्यूशन डिप करते हैं तो भी उसमें कोई चेंज नहीं आता है, मतलब वो कलरलेस ही रहता है। ओके, सो दिस इंडिकेट्स दैट कॉमन सॉल्ट इज नाइदर एन एसिडिक सॉल्यूशन नॉर एन बेसिक सॉल्यूशन। ओके, सो इन द सेम वे यू कैन गो थ्रू द टेबल एंड यू कैन लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ चाइना रोज। नेक्स्ट इज फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर। फिनोफ्थेलिन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर विच इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन बट टर्न्स पिंक टू रेड एज अ सॉल्यूशन बिकम्स अल्कलाइन। ओके, तो फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर जो है वो जनरली लैब में यूज होता है। फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर है वो जब तक कोई भी सब्सटेंस एसिडिक होता है तब तक वो कलरलेस होता है वो सॉल्यूशन, लेकिन जैसे ही वो सब्सटेंस बेसिक की तरफ
बेसिक की तरफ बेसिक होने लगता है, तो वो सब्सटेंस जो है, वो जो सॉल्यूशन जो है, वो अपना कलर हल्का पिंक में टर्न होता है। नेक्स्ट कम्स न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर एक एसिडिक सॉल्यूशन को हम बेसिक सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे तो द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट विच ईच अदर। व्हेन अ एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अ बेसिक सॉल्यूशन, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ये जो रिएक्शन है बिटवीन एसिड एंड बेस, जो कि एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, और फिर जो सॉल्यूशन हमें रिजल्ट में मिलता है वो ना एसिड होता है ना बेस होता है, वो एक न्यूट्रल प्रॉपर्टी प्रोसेस करती है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो और ऐसा जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें मोस्टली सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि HCl जो कि एक एसिडिक सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेसिक सॉल्यूशन है, अगर उन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं हम इक्वल प्रपोर्शंस में तो हमें मिलता है H2O डैट इज वाटर एंड NaCl सोडियम क्लोराइड डैट इज सॉल्ट। ओके, अब हमें देखना है कि न्यूट्रलाइजेशन हमारे डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहला उसका जो यूज़ है वो है इंडाइजेशन में। तो ड्यूरिंग इंडाइजेशन टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया गिव्स अस रिलीफ एज इट्स न्यूट्रलाइजेशन, एज इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड प्रोड्यूस इनसाइड द स्टमक। ओके, तो जब हमें इंडाइजेशन हो जाता है उसका दैट मीन्स कि हम द प्रपोर्शन ऑफ एसिड इन अवर स्टमक इज मोर, सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ बेसिक सब्सटेंस। नाउ व्हेन वी टेक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया then the acidity is neutralized by a basic substance and turns into neutral which relieves our stomach. Now in ant bite, the effect of ant sting which is caused by formic acid can be neutralized by rubbing moist baking soda. Okay, तो जो formic acid की वजह से हमें pain होता है एक ant के bite करने से, अगर हम उसके ऊपर basic solution यानी कि formic basic solution यानी कि बेकिंग सोडा को रब करें जो कि बेसिक है, तो वो दोनों एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमें जो स्टिंग हुआ है उसमें हमें रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट कम्स अ सॉइल ट्रीटमेंट। सो प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। तो ऐसे सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो हम उसमें बेस जैसे कि क्विक लाइम ऐड करते हैं या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, लेकिन अगर सॉइल बेसिक है तो हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं जो कि एसिड रिलीज करके सॉइल को न्यूट्रल करता है। और द लास्ट यूज इज फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट जो होते हैं वो मोस्टली एसिड कंटेन करते हैं, जिसको अगर ऐसे ही किसी आप वाटर बॉडी में थ्रो कर दो या फिर किसी सॉइल में उसको डिप कर दो या फिर उसको किसी वाटर बॉडी में थ्रो कर दो तो उससे जो है वो फिश और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो सकते हैं। इसकी वजह से उसको पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है और उसके बाद उसको कहीं भी थ्रो किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।